हाँ सर बताएं सर, अभी भी हाल में साल में बेटी पैदा हुई तो उसके बारे में बताएं। अभी हमारा सरकार की भी बहुत सारी योजना चल रही बेटियों को लेकर। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा। दूसरा ये कि बेटियाँ आजकल हर परिवार में होनी चाहिए और उतने ही लाड़ प्यार से हमें रखनी चाहिए जितना कि हम अपने बेटे को रखते हैं। आजकल बेटियाँ हर क्षेत्र में हर जगह पर अपना परचम फहरा रही हैं। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ और ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि मेरे घर भी एक नन्ही सी परी का जन्म हुआ और मैंने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उसका स्वागत किया अपने घर में। हम सभी लोग इतने खुश हैं। पहले से हमारे घर में बेटी थी बड़े भाई की, लेकिन अब एक और बेटी का जन्म हमारे घर में हुआ है। सॉरी, दो बेटियां पहले से थी हमारे दो भाइयों की, और मेरे लिए भी एक भगवान से मेरी बड़ी ही हर समय में अपने मन में चलता रहता था कि पहले से मेरे पास एक बेटा है तो एक बेटी और हो जाए ताकि मेरा परिवार पूरा हो जाए। ईश्वर ने मेरी सुनी और मुझे एक नन्ही सी परी मेरे को प्रदान करी है। और मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि बिल्कुल भेदभाव ना करें। सरकार भी अब इन सारी चीज़ों को मिटाती जा रही है, इतनी सारी चीज़ें बेटियों के लिए, जो लोग निर्धन हैं उनकी बेटियों के लिए भी इतनी सारी चीज़ें सरकार अपने द्वारा जितना हो सकता है कर रही है। तो सभी लोगों से यही विनती है कि बेटियों को बेटों से ज़्यादा लाड़ प्यार दें और बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ाएं लिखाएं ताकि वो भी आपको आगे चलकर उतना ही आपके मान सम्मान बढ़ाएंगी जितना के बेटे बढ़ाते हैं। और फिर से यही प्रार्थना है कि बेटियों को बहुत लाड़ प्यार से पाला जाए।